15 अगस्त में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। जश्न आजादी से पहले महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। एटीएस की टीम ने मुंबई के पास भारी मात्रा में बम और विस्फोटक बरामद किए हैं। कल रात को एटीएस ने पालघर में एक घर और दुकान पर छापा मारा। छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। एटीएस ने वैभव राउत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुंबई में वैभव राउत से इस वक्त पूछताछ भी हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त यही है, महाराष्ट्र एटीएस को वैभव राउत से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एटीएस आज भी वैभव को कोर्ट में पेश करेगी और उसकी कस्टडी मांगेगी। महाराष्ट्र एटीएस ने कल रात ही मुंबई के पास पालघर में वैभव के घर और उसकी दुकान पर छापेमारी की थी। वैभव राउत सनातन संस्था और हिंदू गौवंश रक्षा समिति से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर यह है, उसके घर से कई देसी बम मिले हैं, दुकान से उसके विस्फोटक बनाने का सामान भी मिला है। अब आपको बताते हैं कि मुंबई के पास पालघर में क्या हुआ। महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने पालघर के नाला सोपारा में छापेमारी की। गुरुवार की रात वैभव राउत नाम के व्यक्ति के घर पर छापेमारी हुई है। एटीएस ने वैभव राउत को गिरफ्तार भी कर लिया। एटीएस की कार्रवाई इतनी सीक्रेट थी कि स्थानीय पुलिस को भी पहले से इसकी भनक नहीं लगी। वैभव राउत सनातन संस्था से जुड़ा हुआ है। पिछले लंबे समय से एटीएस की नजर उस पर थी। छापेमारी में वैभव के घर से 8 देसी बम मिले हैं, दुकान से विस्फोटक मिले हैं। विस्फोटक की जांच के लिए फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या ये विस्फोटक आरडीएक्स है। छापेमारी के बाद एटीएस वैभव राउत को लेकर मुंबई चली गई है। वहां वैभव से पूछताछ फिलहाल चल रही है। वैभव राउत के वकील ने एटीएस की कार्रवाई पर सवाल भी उठा दिए हैं। वकील का कहना है कि अभी तक एटीएस की गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। ये बात हमें रात को 3 बजे पता चली और उसके घर पे गए थे, वो भी पता चला। अभी जो मैं न्यूज देख रहा हूँ उसमें ये बताया जा रहा है कि उसके घर पे 8 बम बनाने का साहित्य मिला। हम सभी वैभव राउत को जानते हैं, एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है। मस्जिद के ऊपर जो भोंगे लगाए जाते हैं लाउडस्पीकर, उसके मामले में, गोरक्षा के मामले में उन्हें बहुत काम किया था और लगातार सभी के संपर्क में वो रहे हैं। अच्छे कार्यकर्ता है और ये टाइप का काम वो नहीं कर सकते, और जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है। चलिए और जानकारी लेते हैं। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बताइए कैसे पुलिस को एटीएस को यहाँ पर टिप ऑफ मिला, किस तरह से पकड़ा गया इसको और क्या क्या सामान मिला है, विस्तार से बताइए। देखिए नंदिता, हालांकि सबसे पहले मैं बता दूं कि महाराष्ट्र एटीएस इस मामले में अभी भी चुप्पी साधी हुई है और कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे गई, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुंबई के विक्रोली में और जुहू में जो महाराष्ट्र एटीएस की दो अलग अलग यूनिट है, इसके अधिकारी जो है लगातार वैभव राउत के ऊपर जो है नजर बनाए रखे हुए थे और वैभव उनके सर्विलेंस पर था। और पिछले दिनों जो है कुछ एक खुफिया जानकारी मिलने के आधार पर जो है उसे सर्विलेंस में रखा गया था। उसके बाद बीती शाम को जो है ये टीम उसके घर पर पहुंची और वहां पर जो है रेड की गई। रेड के दौरान सबसे पहले 8 जो देसी बम है वो उसके घर से बरामद हुए। उसके बाद में घर से थोड़ी ही दूर पर जो दुकान है वहां पर जब छापेमारी की गई तो वहां से बड़ी मात्रा में एक सामग्री जो है वो बरामद की गई, जिसको बाद में गन पाउडर जो है बताया गया। गन पाउडर के साथ साथ वहां पर कुछ डेटोनेटर्स भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि गन पाउडर और डेटोनेटर्स को मिलाकर के और दूसरी चीजें जोड़ के उसे भी देसी बम बनाया जा सकता है। अब इसके आगे की कार्रवाई यह है कि इस वक्त जहां एटीएस जो है 3 अलग अलग टीमें जो इस वक्त अलग अलग इसमें तफ्तीश में जुटी हुई है। सबसे पहली जो टीम है वो वैभव से सामने बैठ करके पूछताछ कर रही है। दूसरी जो टीम है वो ये बात की तलाश कर रही कि पिछले 1 महीने में वैभव राउत ने किन लोगों से बातचीत की, उसकी जो सीडीआर है उसे खंगाला जा रहा है। और तीसरा ये कि उसे जब अदालत पर पेश किया जाएगा और रिमांड उसकी ली जाएगी, उसकी जो कागजी कार्रवाई है वो की जाएगी। ऐसे में 2 बड़े खुलासे जो है होने की उम्मीद एटीएस को है। सबसे पहले बड़ा खुलासा ये कि ये जो बम बरामद किए गए हैं इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था, इसे कहां फोड़ा जाना था। और दूसरा बड़ा खुलासा ये कि इसके साथ वैभव राउत के अलावा और दूसरे कितने लोग जो इस साजिश में शामिल थे। तो ये 2 बड़े खुलासों की उम्मीद एटीएस को है, जिसको लेकर के 3 अलग अलग जगहों पर उनकी जांच चल गई है। नंदिता, बिल्कुल 15 अगस्त आ रहा है, कई त्योहार आ रहे हैं, ऐसे टाइम पे ये सामान मिलना अपने आप में अलर्ट करने वाला है। राकेश, एटीएस जानकारी दे सकती है, लेकिन इस बीच क्या वैभव राउत के बारे में कोई भी जानकारी है? क्या करता है वो, पेशा क्या है उसका, क्या उस घर में कोई और भी रहता था उसके साथ?
बिल्कुल देखिए, उनके घर में उनका परिवार है और साथ में ये भी जानकारी हमें मिली है कि वैभव राउत जो है इससे पहले हिंदू गौवंश रक्षा समिति को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने कई सारी जो एक्टिविटीज थी उसमें पार्टिसिपेट किया। सनातन संस्था के जो बहुत सारे इवेंट्स होते थे उसमें उन्हें देखा गया था। कई बार जो है मुंबई में जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी हिंदू संगठन की तरफ से उसमें वो शामिल रहा करते थे। और खासतौर से पिछली बार जब सनातन संस्था को बैन किए जाने की मांग की जा रही थी उस वक्त, और उसके अलावा जब गौ रक्षा की बात की जा रही थी उस वक्त, दोनों ही टाइम जो कैंपेन इनकी तरफ से चलाया गया उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका देखा गया था। तब पहली बार वैभव राउत का जो नाम है वो सामने आया था। हालांकि ये बम कैसे मिले, इसका इस्तेमाल कहां किया जाने वाला था, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर के अभी शक है, संदेह है और इसके जवाब जो एटीएस भी तलाशना चाहती है। नंदिता बिल्कुल, और कितनी सीक्रेटिवली ये ऑपरेशन किया गया है राकेश, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकल पुलिस को भी नहीं बताया गया कि कहीं से कोई टिप ऑफ मिलके ये यहां से फरार ना हो जाए या चीजें ना हटा दी जाए, यानी कि पुख्ता बेसिस पे एटीएस ने कार्रवाई की होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एटीएस को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी अच्छे से थी कि एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है और एक बड़ा ऑपरेशन होगा। यही वजह है कि अलग अलग जो टीमें हैं वो हर एक्टिविटी पे जो है वैभव राउत के नजर बनाए रखी हुई थी कि वो कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, किससे मिल रहा है और फोन पे किससे बातचीत होगा, ये तमाम जो डिटेल्स है वो मॉनिटर की जा रही थी। उसे फिजिकल सर्विलेंस में भी रखा गया था कि घर के बाहर पुलिस की जो टीम है वो भी सादे कपड़ों में तैनात रहती थी उसे देखने के लिए। और जैसे उन्हें इस बात का जो जानकारी मिल गई कि जो रॉ मटेरियल है घर पर पहुंच गया है, उसके बाद बिना किसी लोकल एजेंसी को जो है भनक लगते है, क्योंकि अगर उसमें नुकसान इस मिशन को पहुंच सकता था, इसलिए उन्होंने बहुत ही सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियली जो है इसको अंजाम दिया। और जैसे उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी मिली उन्होंने वहां छापेमारी की और कार्रवाई को अंजाम दिया। शुक्रिया राकेश, खबर पे नजर बनाए रखें, फिर आपसे जानकारी लेंगे। तो एक बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र एटीएस को मिली है, कल रात को छापेमारी की गई है और फिलहाल अब वैभव राउत से पूछताछ की जा रही है, उसकी कस्टडी लेने की कोशिश की जाएगी कोर्ट से।